अवैध शराब परिवहन करने वाले को कोतवाली पुलिस बड़वानी ने पकड़ा। कार से पुलिस ने 48.240 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी एक्ट में कार्रवाई की। धार जिले के सिंगाना के निवासी आरोपी है। धार जिले की ओर से बड़वानी आ रहा था। दरअसल कोतवाली थाना प्रभारी बलदेव मुजाल ने बताया कि अभी शराब परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम को छोटी कचरा और नर्मदा पुल के लिए रवाना किया, जहां पुलिस टीम ने एक स्विफ्ट कार को रोका, जिसमें से अवैध शराब 5 पेटी पाई गई। अवैध शराब परिवहन कर रहे सिंगाना निवासी रोनित राठौर को हिरासत में लेकर धारा 34 एक आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई। यूं स्विफ्ट कार के ऊपर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला मंत्री धार लिखा गया था। वहीं बड़वानी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़वानी थाना क्षेत्र की हाँ, ये मुझे करीब 5:30 बजे सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार है जिसका नंबर है WL AMP09 WL 7367 है, जिसमें अवैध शराब भर के ले जा रहे हैं। उसी में मैंने अपनी टीम भेजी और इसको राउंड अप किया, जिससे कुल 48 लीटर और 240 मिलीलीटर शराब जब्त किए हैं। वो जहाँ से ले जा रहा था उस संबंध में भी पूछताछ करके आगे की विवेचना कर रहे हैं, और उसकी जो वाहन जिसमें ले जा रहा था वो भी जब्त की गई। आरोपी ये सिंगाना का है, रोनित राठौर के नाम से अभी उसने अपना नाम बताया है और उसका पूरा पता और ये सब चीजें जांच में पूरा क्लियर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतू जिराती भाजपा नेता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से भाजपा को मजबूत करने की अपील की, जिसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं जयेश को आड़े हाथों लेते हुए सामाजिक संगठन के नाम पर भोले भाले आदिवासियों के साथ छल करने और कांग्रेस का साथ देने वाला बताया। जयेश संगठन के नाम पर काम करता है, परंतु चुनाव के समय कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेता है। ये दोहरे चेहरे की राजनीति से भोले भाले आदिवासी समाज को बचना चाहिए, ऐसा कहकर जीतू जिराती ने कहा, जनता में भारी उत्साह है। आदिवासी समाज की हितैषी सरकार भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी दावा किया। भाजपा को रोकने के लिए कई ताकतें लगी हुई है, कांग्रेस ही नहीं कई सारे लोग षड्यंत्र में लगे हुए। हम आदिवासी और वनवासी क्षेत्र में है और ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तरफ रुख हमारे इन आदिवासी वनवासी बंधुओं का हो जाता है उनकी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किस किस तरह की ताकत लगी है? सिर्फ कांग्रेस अपना शेयर है जो उनको जयस के नाम पर उनको अलग से तैयार किया जाता है, लेकिन अंत में जयस के जो बड़े नेता वो क्या करते हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके जयस के नौजवानों को और जयस की टीम के लोगों को धोखा देते हैं। अरे अगर आप सच्चे आदिवासी हितैषी लोग हो तो आप उनके लिए बात करो, सिर्फ उनके काम करो। आपने क्या किया, जयस नाम से एक संगठन को तैयार किया और खुद ने जाकर के कांग्रेस से चुनाव लड़के आप बैठ गए भोपाल और दिल्ली में जाकर के। तो अब पूरे के पूरे सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं, आदिवासी वनवासी भोला हो सकता है, नादान हो सकता है, लेकिन ना समझ नहीं हो सकता। आज यहाँ देखिए आप इस विधानसभा में लगभग 90% सब वनवासी और आदिवासी बंधु हैं। उनका जज्बा देखिए, उनका जुनून देखिए, उनका उत्साह देखिए, उनके चेहरे की प्रसन्नता देखिए। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन करके वो एक अलग ही उत्साह के रूप में आ जाते हैं।